दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। दोस्तों अगर भारी सामान उठाते समय मांसपेशियों में आ गया है खिंचाव तो ध्यान रखिए कुछ जरूरी बातें। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज पकड़ते या उठाते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए या फिर तेज भागने में मांसपेशियां खिंच जाती हैं। इसे मांसपेशियों में खिंचाव या तनाव कहा जाता है। मांसपेशियों का खिंचाव हाथ पैर जोड़ों या पीठ में हो सकता है। इसके अलावा घुटने कंधे कोहनी में सूजन या दर्द भी हो सकती है। मांसपेशियों का दर्द कम और ज्यादा दोनों हो सकता है, लेकिन ये बात निश्चित है कि ऐसी स्थिति में दिक्कत होती है। आइए आपको बताते हैं मांसपेशियों के खिंचाव में आराम पाने का कुछ तरीका। सबसे पहली बात कि आपको आराम करना चाहिए। एक दिन से पांच दिन का ये हो सकता है। स्थिति के अनुसार आपको आराम की जरूरत है। ऐसा करने से नसें और ज्यादा तन सकती हैं, इसीलिए आप अपने डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। दूसरा तरीका है कि प्रभावित स्थान पर बर्फ लगाएं। इसमें आपको सूजन ब्लीडिंग और दर्द में आराम मिलेगा। मांसपेशियों में खिंचाव आने के बाद जितनी जल्दी बर्फ लगाएं लगा लें। कितनी बार भी आप बर्फ लगा सकते हैं, बस याद रखें कि 15 मिनट से ज्यादा देर के लिए बर्फ को ना लगाएं। मांसपेशियों के खिंचाव को दूर करने के लिए आप कई दवाइयों का भी सहारा ले सकते हैं। कई बार सूजन हो जाती है जिसके कारण दर्द और बढ़ जाता है, इसीलिए सूजन कम करने की दवा ली जाए तो दर्द से कुछ हद तक राहत मिलेगी। और दोस्तों स्ट्रेचिंग का सहारा भी लिया जा सकता है, लेकिन स्ट्रेचिंग करने से कई बार आपको चोट की संभावना भी होती है, इसीलिए ये सब चीजें किसी अनुभवी की सलाह लेकर ही करें। कुछ अध्ययन के मुताबिक तापमान मांसपेशियों के तनाव को प्रभावित करता है। कई लोग कहते हैं कि गर्माहट देने से भी मांसपेशियों को आराम मिलता है। मांसपेशियां ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करती हैं। मांसपेशियों के फिर से मजबूत होने से दोबारा चोट लगने से बचाव होता है, इसीलिए थकी हुई मांसपेशियों को चोटिल होने की संभावना अधिक होती है। खास तौर पर खिलाड़ियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये तो थे कुछ आसान से उपाय मांसपेशियों के खिंचाव को दर्द को दूर करने के। अगर आपको लगता है कि समस्या ज्यादा हो गई है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। जुड़े रहिए लोटस आयुर्वेदा इंडिया के साथ।